हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल लीजिए आप लोगों के। आई होप तो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का कि सर सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट पेपर की तैयारी किस हिसाब से करी जाए। जनरली मेरे पास कई बार क्वेरीज आते हैं, सर ऑडिट नहीं समझ में आ रहा है, कैसे शुरू करें, या ऑडिट हमने प्रिपेयर किया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं मिलते ऑडिट में, कई बार हम एग्जाम में ऑडिट के पेपर की वजह से ही फेल होते जा रहे हैं। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट के ग्रुप टू में दिक्कत देने वाला पेपर है ऑडिट। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट सो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस पेपर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मैं मानता हूं ये थ्योरी पेपर है, बट इस पेपर को सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा जा सकता है। और सर आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से। व्हाई? बिकॉज आफ्टर क्वालिफाइंग सीए आपको जो ज्यादातर काम करना होगा, चाहे आप जॉब करें चाहे आप प्रैक्टिस में जाएं, ज्यादातर जो आपको एरिया दिया जाएगा वो दैट इज योर ऑडिट। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही अथॉरिटी दी गई है बाय द पार्लियामेंट टू डू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों का मेजर काम क्या रहता है ऑडिट का, और इस सब्जेक्ट को हमें थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ कर करना होगा। और सर रियलिटी में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि सर पेपर में दिक्कत आती है, क्या पेपर टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो पेपर इज वेरी 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 इजी। अब अगर मैं देखो पुराने ट्रेंड की बात करूं तो बच्चों के नंबर नहीं आते थे, क्योंकि पुराने ट्रेंड में इंस्टीट्यूट का पेपर पूछने का तरीका या पेपर पैटर्न जो था वो थोड़ा अलग तरीके से था। इंस्टीट्यूट छह छह नंबर के भी क्वेश्चन पूछता था, केस स्टडीज भी पूछता था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता था, तो बच्चों को कहीं ना कहीं चीजें लर्न करने की जरूरत पड़ जाती थी। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट आईसीआई ट्रेंड की बात करूं, जो लेटेस्ट आईसीआई का ट्रेंड चल रहा है, इस पेपर को इंस्टीट्यूट ने बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग बना दिया है। अब ऑडिट में स्कोर करना हो गया है बहुत ज्यादा इजी। अगर आप चाहें, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आप इजीली इस पेपर में एग्जेम्पशन भी ला सकते हैं। इंस्टीट्यूट सर आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, वो मांगता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए टू राइट द ऑडिट पेपर। जनरली जो बच्चों के मार्क्स कम रहते हैं ऑडिट में वो इसी रीजन की वजह से रहते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर पेपर को लिखना कैसे। मैं देखता हूँ कई बार कुछ आंसर शीट्स बहुत ही प्लेन इंग्लिश में या बिल्कुल इंग्लिश भी कभी बार कभार खराब होती है पेपर कराते हैं। सर इंस्टीट्यूट ऐसे मार्क्स नहीं देगा। इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि जो मैंने अपने स्टडी मटेरियल में वर्ड्स यूज कर रखे हैं बच्चे को वो वर्ड्स पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या स्टडी मटेरियल रटना पड़ जाएगा हमें? आंसर इज नो, नो नीड टू क्रैम स्टडी मटेरियल। लेकिन आपको स्टडी मटेरियल इतनी थॉरली, इतने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप वहां से कीवर्ड्स निकाल पाए, वहां से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको निकाल पाए। अब कीवर्ड्स का मतलब, जैसे कि जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे चेकिंग वर्ड होता है, चेकिंग की जगह आपको यूज करना होगा वर्ड एग्जामिनेशन। एक ऑडिट में टर्म यूज होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये टर्म कई बार आपको यूज करनी पड़ेगी। एक आपका होगा कि भाई आपका व्यू पॉइंट क्या है, रिजल्ट क्या है, उसके लिए आपको वर्ड यूज करने पड़ेंगे ओपिनियन, जजमेंट। मिस्टेक्स की जगह वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको एरर्स। तो ये सब आपकी टेक्निकल टर्म्स है जो आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट कहता है कि ये कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, देन ओनली आई विल गिव मार्क्स, तभी आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने अब जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न रखा है वो किस तरीके का है, कैसे ये वाला पेपर ऑडिट का पेपर स्कोरिंग हो गया है। देखिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स, इस पेपर को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला पार्ट आता है एमसीक्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है 30 मार्क्स के इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज पूछेगा जो आपको करने ही करने हैं। दूसरा पार्ट इसमें आता है ट्रू फॉल्स, 14 मार्क्स के इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स पूछेगा, और बाकी जो अदर एरिया है, अदर पेपर है, दैट इज ऑफ 56 मार्क्स, 56 नंबर का आपका अदर एरिया हो गया। तो देखिए 100 मार्क्स के पेपर में से 44 नंबर का पेपर तो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के बेस पे ही हो गया, बाकी 56 मार्क्स का आपका जो होगा वो प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि पेपर हो गया स्कोरिंग। लेकिन सर एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स के लिए आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी
लाइन ऑफ स्टडी मटेरियल। अगर आपको एमसीक्यू में और ट्रू फॉल्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कंसेप्चुअली। व्हाट? कंसेप्चुअली। नो नीड टू क्रैम एनीथिंग, कुछ रट्टाबाजी कुछ नहीं करनी है। 44 मार्क्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन को अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स किसी भी लाइन से बन सकता है, ठीक है जी। और आप चाहें तो इस 44 में से 40 मार्क्स बड़ी इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी से थॉरो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सब्जेक्ट। अब हम दिक्कत आती है सर, ये 56 में से कैसे स्कोर किया जाए, ये जो 56 नंबर है इसको हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न रहता है उसमें आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन पूछेगा 14 मार्क्स के, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करके चलने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 14 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। 14 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट ने जो क्राइटेरिया बना रखा है, दैट इज एक 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर 4-3, 4-3 ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट। 6 नंबर के क्वेश्चन अब इंस्टीट्यूट बहुत कम पूछता है, आपको पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 6 मार्क्स के होंगे, नहीं तो जनरली जो इंस्टीट्यूट पेपर पूछता है दैट इज ऑफ 4 और 3, 4 और 3-3 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और इसमें भी केस स्टडीज और आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने नहीं आते, केस स्टडीज और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ऑडिट के पेपर के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ना पड़ेगा, और एएस कोई अलग से कुछ नहीं करना, जो आपने ग्रुप 1 में अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, और जो ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि वहां तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि एएस कंपलसरी क्वेश्चन होता ही है, तो वही एएस की नॉलेज आपकी इस पेपर में ऑडिट के पेपर में भी यूज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके का आपका कुछ पेपर पैटर्न है जो अब आपको आपके पेपर को स्कोरिंग बना देगा। अब बात आती है सर कहां से पढ़े, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा मटेरियल क्या होना चाहिए। सर कोई भी बुक रेफर नहीं करनी किसी भी ऑथर की, मैं किसी ऑथर के अगेंस्ट नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपको इस पेपर को स्कोर करना है तो यू हैव टू रेफर ओनली ICAI स्टडी मटेरियल, दैट्स इट। ICAI को स्टडी मटेरियल को अच्छे से आपको करके चलना है। अब जो नए स्टडी मटेरियल आ रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, पूरे अच्छे एग्जांपल्स के साथ, चार्ट्स के साथ, वो सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, आपको कोई एक्सटर्नल बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। इवन मैं भी जो क्लासेस लेता हूँ मैं भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, मैं कोई अलग से बुक नहीं देता, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही मैं फोकस करके चलता हूँ, और वही आप लोगों को करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आपने कहीं से कोचिंग ली हो, स्टडी मटेरियल बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है जी, RTPs रखने अपने साथ of past 4 attempts, पिछले 4 attempts के आपको RTP रखने हैं, जो भी आपका attempt है उसका RTP तो जाएगा ही जाएगा, और उससे पिछले 3-4 attempt के RTP आपको करके चलने हैं। For example जैसे अभी May 20 का attempt आने, तो May 20 का RTP रिलीज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, May 20, फिर उसके बाद November 19, उसके बाद आपका May 19 एंड November 18, ये आप 4 RTP अगर कर लेंगे जहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन यहीं से कॉपी पेस्ट होकर एग्जाम में आते हैं, प्लस इसके आंसर्स को जरूर पढ़ना है आपको, इसके आंसर से आपको लैंग्वेज मिलेगी कि आपको किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स आपको पेपर में आंसर में अपने प्रेजेंट करने, ठीक है जी। RTPs आप ध्यान रखेंगे, प्लस आपको पास्ट 2 से 3 एग्जाम के पेपर को जरूर देखना है, पिछले 2-3 एग्जाम के पेपर को जरूर देख के जाइएगा, उससे आपको क्राइटेरिया पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट पेपर किस हिसाब से पूछता है, कौन सा क्वेश्चन कहां पर पूछा जाता है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स की वेटेज रहती है। वैसे भी वेटेज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2-3 एग्जाम पेपर को अगर आप देख लेंगे और उसको सॉल्व करके चलेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, इस पेपर को सॉल्व करने में लिखने में आपको फिर डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। साथ में आपको इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर जरूर करके चलने हैं, जो भी इंस्टीट्यूट एग्जाम से 1-2 महीने पहले रिलीज करता है, वो 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन में करके चलने हैं, उससे पहले आपको एक बार कोर्स पूरा रिवाइज करना है, देन यू कैन अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट पेपर। सेम एग्जाम लाइक सिचुएशन में वही 2 से 5 का एनवायरमेंट बनाना और पूरे के पूरे 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करके देखना, आइडिया मिल जाएगा, हाथ बैठ जाएगा आपका पेपर करने। और इंस्टीट्यूट ने खुद भी कुछ एमसीक्यूज रिलीज करे हुए हैं, तो एमसीक्यूज जो भी ICAI ने दिए हैं वो तो करके चलने ही चलने।
अब एमसीयू की कोई अलग बुकलेट अगर आपको मार्केट से परचेज करनी है तो यू कैन परचेज, लेकिन इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू जरूर करना। और अगर आपने स्टडी मटेरियल को बिल्कुल थॉरली अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर इतना टाइम देखो नहीं होता कि आप कोई बुक उठाओ कि नई बुक लेके आऊंगा उसके एमसीक्यूज करूंगा उसके ट्रू फॉल्स करूंगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। मेरा ये मानना है इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर लीजिए दैट्स इट, लेकिन जो भी कीजिए बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली थॉरली करके चलिएगा। ओके अब क्वेश्चन आता है सर तैयारी करने में कितना टाइम लग जाएगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा हमें इस ऑडिट के पेपर को तैयार करने में। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं 60 आवर्स के अंदर अंदर आप चाहें तो अपने इस कोर्स को ओवर कर सकते हैं। 60 आवर्स के अंदर अंदर आप इस कोर्स को ओवर कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, और अगर आपने एक बार पढ़ रखा है और दूसरी बार रिवाइज करें तो ये टाइम सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है तो 60 आवर्स का टाइम सफिशियंट है, आप 60 आवर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सर क्या एट अ स्ट्रेच हमें 60 आवर्स देने हैं कि भाई हम 10 दिन लगा के सिर्फ ऑडिट पढ़ते चले जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये चीज नहीं हो सकती। आपको 60 आवर्स को डिवोट करना पड़ेगा 30 days into 2 hours each, हर रोज 2 घंटे निकाल लीजिए इस पेपर के लिए और 30 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार रहेगा। 2 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बाकी दिन और सब्जेक्ट पढ़िए, आपके अकाउंट्स है, एफएम है, उन सबको पढ़ते रहिए, दो दो घंटे सिर्फ ऑडिट के लिए स्पेयर करके चल लीजिए, इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। और इससे ऊपर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, अगर आप सोचें मैं एक दिन में 4 4 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा टोटली टाइम वेस्ट, पढ़ाई होगी नहीं, टाइम खराब हो जाएगा। तो 2 घंटे अगर आपको लगता है 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं तो 2 से 2.5 घंटे मोर देन सफिशियंट, इससे ऊपर नहीं करने आपको। 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये 2 आवर्स कब किस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए, देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ ये नहीं बता सकता कि ये स्पेसिफिक टाइम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया सिर्फ ये दे सकता हूं। अगर आप देखिए अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, इफ यू आर स्टडिंग अर्ली मॉर्निंग, तो कभी भी सबसे पहले शुरुआत ऑडिट से मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि सुबह सुबह उठे और ऑडिट उठा लिया कि 2 घंटे सुबह सुबह ऑडिट पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो दिन के लास्ट स्लॉट को रखिएगा फॉर ऑडिट, यानी कि नाइट के स्लॉट को या इवनिंग स्लॉट को, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए मैं जो प्रेफर करता था, मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ता था तो मैं सबसे आखिरी के स्लॉट को रखता था फॉर ऑडिट, तो नाइट के स्लॉट को रख सकते हैं ऑडिट। और अगर आप नाइट में प्रेफर करते हैं पढ़ना, नाइट में अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप जब भी सुबह मॉर्निंग में उठे तो आप फर्स्ट स्लॉट को ऑडिट में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा। क्लियर है जी, ये तो कुछ हमारी थी जनरल बातें रिगार्डिंग दिस पेपर। अब बात आती है चैप्टर वाइज प्रायोरिटी कि अगर हमें कौन कौन से चैप्टर से किस हिसाब से शुरुआत करके चलनी चाहिए, ये सब चीजें जो मैंने बताई है दैट इज एज पर आईसीएआई स्टडी मटेरियल। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है मैं साथ में आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं इंस्टीट्यूट की। ये कुछ आपके पास इंस्टीट्यूट के चैप्टर वाइज मैंने लिस्ट बनाई है कि जिस हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए टू स्टडी। साथ साथ मैं आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल दिखाता हूँ, ये देखिए आईसीआई का जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें आपके पास 3 मॉड्यूल्स खुले होंगे, आपको एक मॉड्यूल 1 है, एक मॉड्यूल 2 है, एक आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपको बेयर स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जितने भी होते हैं हमारे उसका बेयर टेक्स्ट दे रखा है, वो बुक आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इन 2 मॉड्यूल्स में मिल जाएगा। अब आइए देखिए जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे चैप्टर रखने चाहिए दैट इज चैप्टर, चैप्टर आपके रहेंगे चैप्टर नंबर 1, 1 का नाम है जी नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, चैप्टर नंबर 2 दैट इज ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैंपलिंग एंड चैप्टर नंबर 8 इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये चैप्टर से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। सर इन चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो आपको 30 से 40 नंबर का पेपर इन्हीं चैप्टर से मिल जाता है, एंड दीज आर बेसिक चैप्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं पूरे ऑडिट का बेस ही इन चैप्टर्स में है। मैं डायरेक्टली आपको ये भी कह सकता था कि कंपनी ऑडिट से शुरुआत कर दो, ऑडिट रिपोर्ट से शुरुआत कर दो, क्योंकि उनमें से भी अच्छे खासे वेटेज क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो चैप्टर आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपको बेसिक चैप्टर्स की नॉलेज है। देखो अगर आपको यही नहीं पता कि ऑडिट क्या है
ऑडिट क्यों किया जा रहा है, ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आगे ऑडिट प्रोसीजर्स पे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, और वो बेस के लिए आपको ये चार, ये आपके टोटल 5 चैप्टर्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। 30 से 40 नंबर की वेटेज भी है इनमें। अब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, सर एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे क्या वो ऐसे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत है? आंसर इज नो नीड टू स्टडी सेपरेटली, आपको स्टैंडर्ड्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 उठाएं तो इसमें देखिए ऐसे 200, 210, 220 यहां पर कवर हो जाता है। 2 में आपका 300, 320। चैप्टर नंबर 3 जो ऑडिट एविडेंस वगैरह का था उसमें आपका 230 एंड 500 की सीरीज कवर हो जाती है। 510, 505, 503, सब 500 की सीरीज आ गई। फिर ऑडिट सैम्पलिंग में 530 एंड एनालिटिकल में 520। ये स्टैंडर्ड आपके चैप्टर के साथ साथ ही कवर होते चले जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी? ओके। सेकंड प्रायोरिटी भी आप क्या रखेंगे, फिर आप उठा सकते हैं कि अपने चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में आपको कंपनीज एक्ट की रेफरेंस देनी पड़ेगी, कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 138 से लेकर 148 तक। आपने ये सेक्शंस अपने लॉ के पेपर में भी पढ़े होंगे, कॉर्पोरेट लॉ में। ये दोबारा आपके सेक्शन यहां पर आ जाएंगे, और थॉरली और अच्छे से डिटेल में आपको उसको समझ के चलना पड़ेगा, 138 टू 148 कंपनी ऑडिट के चैप्टर्स। एंड साथ साथ कंपनी ऑडिट के साथ साथ आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। देखिए चैप्टर नंबर 11 इज योर ऑडिट रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट जरूर मिलेगा कि इस केस में ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग रहेगी, हाउ ऑडिटर विल गिव हिज ओपिनियन। तो ये आपको करके चलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इसमें 700 की चीज लगती है, 700, 705, 706, 710, ये चार स्टैंडर्ड आपके ऑडिट रिपोर्ट में कवर हो जाते हैं, प्लस कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ये आपको साथ में करके चलना पड़ेगा। और इसमें से आपको 15 से 20 नंबर का पेपर एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने ये दो पार्ट्स कर लिए, 60 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन है। अच्छा, ये 60 मार्क्स इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स भी है। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स देखो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से चैप्टर से आएंगे, किसी भी चैप्टर में किसी भी लाइन से एमसीक्यू बन सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स के लिए आपको एक एक लाइन थॉरली और कंसेप्चुअली पढ़ के चलनी पड़ी, ठीक है जी। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड प्रायोरिटी में। फिर आप चैप्टर उठा सकते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 4 एंड 5, 4 है आपका, 4 का नाम है जी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट होना पड़ेगा। मेन मेन टॉपिक्स क्वेश्चन में चले जाइएगा, और क्वेश्चन स्पेसिफिक होकर देखिएगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी लग सकता है चैप्टर, और बड़ा तो कंटेंट में है ही है। और साथ में आपका आएगा चैप्टर नंबर 5th, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें आपको ऐसे 240 फ्रॉड के ऊपर और कंपनीज एक्ट की रेफरेंस सेक्शन 139 सब रूल 12 सब रूल 11 जो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करी जाती है अबाउट द फ्रॉड, तो ये सब आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसके बाद आप थर्ड प्रायोरिटी में उठाएंगे, इसमें से भी आपको देखेंगे 10 से 12 नंबर का पेपर पूछा जाता है, ठीक है जी। दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी भी आप लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 6 में आएगा आपका ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, सीआईएस ऑडिट, ईडीपी ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ये आपको करना है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज योर बैंक ऑडिट, ये दोनों चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर में से आपको 4 4 5 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही आते हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से आता है, तो इसको आप फोर्थ प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में से भी आपको पूछा जाएगा। और लास्ट में आप जो चैप्टर रखेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। देखिए ये चैप्टर काफी बड़े हैं, और इंस्टीट्यूट ने पहले ही स्टडी मटेरियल में लिख रखा है कि द आइटम्स गिवन इन दिस चैप्टर्स इज अ इलस्ट्रेटिव लिस्ट, मतलब ये आइटम पूरी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन दो चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबसे एंड में रखे, क्योंकि सबसे एंड में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ऑडिट किस हिसाब से किया जाता है, क्योंकि इन दो चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन ही ये आएगा कि हाउ विल यू ऑडिट शेयर कैपिटल, हाउ विल यू ऑडिट आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाउ विल यू ऑडिट रिसीट्स ऑफ एनजीओ। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर्स आप तब लिख पाओगे जब आपको ऑडिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इन दो चैप्टर्स को आप सबसे एंड में करिएगा, और क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाइएगा कि स्टडी मेट में क्या क्या क्वेश्चन है, आरटीपीज में, मॉक टेस्ट में, पास एग्जाम में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, और वहां से की पॉइंट्स की वर्ड्स निकाल लीजिए, क्वेश्चन घूम फिर के आपको एग्जाम में उन्हीं पे से मिल जाएगा। क्लियर है जी? बताइए।
ये हमारी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें ऑडिट की प्रिपरेशन किस हिसाब से करके चलनी है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल पिक नहीं होगी तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। वीडियो क्लासेस की बात रही तो सर अभी मैं आप लोगों को मई 20 अटेम्प्ट के लिए तो वीडियो क्लासेस इस सब्जेक्ट के प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ चैप्टर की रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूं। तो आप एक बार एक काम छोटा सा करिएगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर की रिविजन वीडियोज चाहिए, तो वो रिविजन वीडियोज मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। एंड फ्रॉम नवंबर 2020 अटेम्प्ट आई विल रिलीज वीडियो क्लासेस ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है जी। चलिए फिर अच्छे से तैयारी कीजिए, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।